आज के वीडियो में हम देखेंगे मनी पोएम रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। चलिए पोएट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको पोएटिक अप्रिसिएशन लिखते वक्त काम में आती है। विलियम हेनरी डेविस, ही वॉज बॉर्न इन न्यूपोर्ट वेल्स, दैट्स वाई ही इज नोन एज वेल्श पोएट। ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ ट्रैम्प और होबो। ट्रैम्प मीन्स अ होमलेस पर्सन और अ जॉबलेस पर्सन। He became a peddler. Peddler means someone who travels about selling his wares on street or at carnivals. जो लोग ऐसे रास्ते पे या फिर किसी मेले में कुछ चीज़ें बेचते हैं वो भी काम इन्होंने किया है। And he was a street singer in England. तो उन्होंने street singer का भी काम किया है इंग्लैंड में। तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई थी। Let us discuss about the poem or the theme of this poem. The poem tells us about a rich man who wants to be a poor man to find the real happiness. इस poem में हमें ऐसे एक rich आदमी की कहानी बताई गई है जो सच्चा happiness experience करने के लिए वो गरीब बनना चाहते हैं। This poem tells us that money does not determine one's happiness. ये poem हमें बताती है कि अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो पैसों से हम खुशी नहीं खरीद सकते। पैसा सब कुछ नहीं है। Happiness is something internal. चलिए डिस्कस करते हैं स्टैंजा नंबर वन। व्हेन आई हैड मनी मनी ओ आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। पोएम की शुरुआत में पोएट कहते हैं कि जब उनके पास पैसा था तब उनको खुशी क्या होती है इसका बिल्कुल पता नहीं था। रियल हैप्पीनेस क्या होता है ये उनको पता नहीं था। मतलब जब वो रिच थे तब वो खुश नहीं थे। सच्चे हैप्पीनेस, सच्ची खुशी का मतलब उन्हें पता तब चला जब वो पुअर बने। पोएट कहते कि जब वो रिच थे, अमीर थे, उस वक्त उनको मिलने के लिए उनके दोस्त आते थे लेकिन वो उनके सच्चे दोस्त नहीं थे। पोएट के पास पैसा था, यही रीज़न था उनके दोस्त उनको मिलने के लिए आते थे। उनके दोस्तों के मन में शायद स्वार्थ था और उनको ऐसे लगता था कि पोएट का पैसा उनके काम में आएगा और इसी वजह से वो लोग पोएट को मिलने आते थे। तो पोएट कहते कि वो सारे जो दोस्त थे वो उनके फॉल्स फ्रेंड्स थे, वो सारे झूठे फ्रेंड्स थे उनके, क्योंकि वो मतलब ही थे अपना काम करने के लिए, कुछ स्वार्थ मन में रख के वो उनको मिलने के लिए आते थे। चलिए देखते हैं स्टैंजा नंबर टू। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेयर्ड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि उनकी हालत उस बच्चे के जैसी हो गई है जिसके हाथ में ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब क्या, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप देख सकते हैं इमेज में मैंने ट्रम्पेट रखी है कि एक मतलब उस बच्चे के हाथ में ट्रम्पेट है लेकिन वो उसे बजा नहीं सकता क्योंकि किसी की डेथ हुई है। सो इट इज़ ऑल टुगेदर अगेंस्ट अवर मैनर्स एंड कस्टम्स टू ब्लो अ ट्रम्पेट व्हेन समवन हैज डाइड। ये अपने ट्रेडिशन और रीति रिवाज के खिलाफ है। अगर किसी की मौत हुई है तो हम अपने घर में ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ऐसे नहीं चलाते हैं। उसी तरह पोएट कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को ये सच्चाई नहीं बता सकते कि रियल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए गरीब होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि मेरे फॉल्स फ्रेंड्स को ये सच्चाई बताना बहुत मुश्किल है। जैसे वो बच्चों के लिए ट्रम्पेट बजाना मुश्किल है या फिर अपना पैसा है उसको एंजॉय करना एक अमीर आदमी के लिए जितना डिफ़िकल्ट होता है उतना ही डिफ़िकल्ट ये बात है कि मैं अपने दोस्तों को बता पाऊँ कि सच्चा हैप्पीनेस गरीबी में है, अमीरी में नहीं है। चलिए देखते हैं स्टैंजा नंबर थ्री। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक पीस अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचा और मुझे समझ आया। मैंने देखा कि गरीब लोग उनकी लाइफ में बहुत खुश है, वो बहुत सेटिस्फाइड है। दे आर हैप्पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट व्हेन देयर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड दे आर हैप्पी। उनकी जब ज़रूरतें बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है तो वो लोग अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहते हैं। इन गरीब लोगों की जो बीवियाँ हैं, वाइव्स हैं, वो भी बहुत प्राउड फील करती है अपने हस्बैंड्स के बारे में जो दिन रात मेहनत करते हैं। और उसी तरह इन गरीब लोगों की जो वाइव्स हैं, उनकी जो बीवियाँ हैं, वो बीज की तरह बिजी रहती है। उनके पास गॉसिप्स करने के लिए, फैंसी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, डिस्कस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। वो भी अपने काम में बिजी रहती है जैसे उनके हस्बैंड बिजी रहते हैं और उसमें वो
खुश है, मतलब उनके पास जो है वॉट एवर दे हैव दे आर हैप्पी विथ इट। उनको किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे वो ज़्यादा ना सोचते हैं ना भागते हैं, और इसीलिए पोएट का कहना है कि वो लोग बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आंसर। सो वेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि उन्होंने अक्सर देखा है कि गरीब लोग बहुत खुश है, हैप्पी है, चेयरफुल है उनकी लाइफ में, और पोएट को ऐसा लगता है कि गरीब लोग हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनके अनुसार गरीब लोग मन से प्योर होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर हार्ट्स आर क्लियर एंड प्योर। वो लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, दे डोंट रन आफ्टर मनी, दे डू नॉट चेस मनी, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन अमीर लोगों की होती है। अमीर लोग फ्रेंडली नहीं रहते, दे आर अनफ्रेंडली, दे आर रूड, और हमेशा दुखी रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट। इसीलिए पोएट कहते हैं कि सच्चा हैप्पीनेस अगर एक्सपीरियंस करना है तो गरीब लोगों को अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अमीर लोगों को गरीब बनने की ज़रूरत है। द रिच शुड बिकम पुअर टू अंडरस्टैंड द ट्रू रिचनेस ऑफ लाइफ। चलिए देखते हैं लास्ट आंसर। वेन आई हैड मनी, मनी ओ माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, बट नाउ आई हैव नो मनी, ओ माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। इस लास्ट आंसर में पोएट हमें बताते हैं कि जब उनके पास पैसा था तब उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन वो सारे फॉल्स फ्रेंड्स थे। धोखेबाज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास सच्चे फ्रेंड्स हैं। भले ही वो कम है लेकिन सच्चे हैं। आज भले ही वो पैसों से अमीर नहीं है लेकिन उनके सच्चे दोस्त थे उनकी अमीरी है। और शायद इसीलिए कहते हैं ना कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। इस तरीके से ये 5 स्टांजास हमने डिस्कस कर लिए। पोएम बहुत ही आसान है, और अगर आप एक दो बार रीडिंग करके अगर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे सारे स्टांजास का तो ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम में जो भी है। नंबर 1 इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स इफ वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर देन द फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन। एग्जाम्पल नंबर 1, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड, द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड। सेकेंड, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ, द प्रोज ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, दैट्स वाई द फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन, द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज आई हैव थॉट मच ऑफ लाइफ। सेकेंड सिमिली, कुछ सिमिली के एग्जाम्पल्स हैं, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड। सो द आंसर इज फॉल्स मैन आर डायरेक्टली कंपेयर्ड टू फ्रेंड एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सिमिली। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। द आंसर इज द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ डायरेक्टली टू अ चाइल्ड इन दिस सेंटेंस, दैट्स व्हाई द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। थर्ड एग्जाम्पल, And now their wives do hum like bees. The wives are directly compared to busy bees. That's why the figure of speech is simile. Next figure of speech, that is repetition. When I had money, money oh. In the sentence, the word money is repeated for emphasis, and that's why the figure of speech is repetition. Next, on met Pia. And how their wives do hum like bees. And why it is onmet pia? Because the word hum expresses sound. That's why the figure of speech is onmet pia. Next, antithesis. Antithesis, we know if there are opposite words in a poetic line, then the figure of speech is antithesis. About their work from morn till night. Morn and night are two opposite words. That's why the figure of speech is antithesis. Ek pura stanza dekhiye. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, पुअर मैन थिंक आई निड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। तो इस पूरे स्टांजा में रिच एंड पुअर अपोजिट वर्ड्स है, लाफ फ्राउन अपोजिट वर्ड्स है, अप डाउन अपोजिट वर्ड्स है, एंड दैट्स वाई द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस। नेक्स्ट एलिटरेशन, इफ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इन अ सक्सेसिव वर्ड्स फॉर मेलोडी देन द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिटरेशन। बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेड माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल एंड ट्रू। The sound of D and M is repeated, that's why the figure of speech is alliteration. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये poem समझी होगी, सारे figure of speech आपके ध्यान में आए होंगे, और सारे inversions के कुछ examples हैं इस poem में, आप उनको identify करिए ताकि आपको poem समझने में और आसानी हो। अगर आपको poem समझने में आसानी हुई होगी तो मेरे channel को ज़रूर subscribe कीजिए, like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।